हेडलाइंस के बाद बात करेंगे खबरों की, और सबसे पहले खबर मिल रही है बिहार कांग्रेस से। तो बिहार कांग्रेस ने वेदना मार्च निकाला है, और इस मार्च में हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उठाए हैं। अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया है, बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, और इसको लेकर बिहार कांग्रेस ने वेदना मार्च निकाला है। और इसके बाद बयानों की बाढ़ भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इसे जन वेदना मार्च का नाम दिया। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। मार्च प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक जाएगा। कांग्रेस जन वेदना पैदल मार्च निकाल रही है। शक्ति सिंह गोहिल खुद मार्च को लीड कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, क्या इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जाए? इसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत, कांग्रेस के नेताओं की एकता और बिहार के जनता के आशीर्वाद, जो आवाम के इश्यूज हैं, खास करके 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी में, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा सरकार को वोट दिया था, आज किसान परेशान है। दुनिया के 5 बड़े अर्थतंत्रों में भारत का स्थान था, आज वहां से वो फिसल गया, नीचे गिर गया। जो आम आदमी परेशान है, उनकी परेशानियों का भी यहां पे प्रतिघोष दिख रहा है। एक चीज है कि जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, क्या उसको भी इस प्रोटेस्ट में शामिल कर रहे हैं? क्या उस मुद्दे के साथ भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हम आवाम के मुख्य मुद्दों को लेके चल रहे हैं। आखिर कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ, देश के संविधान का दिन दहाड़े मर्डर किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कर लो। बहुमत नहीं होते हुए भी चोरी छुपी रात में शपथ कराना, देश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। जब मुख्यमंत्री का शपथ होता है और दलों को आमंत्रित किया जाता है, आपकी सभी चैनलों को बुलाया जाता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, ये सारी परंपरा तोड़ दी। और जैसे कोई चोर चोरी करता है, ऐसे मुख्यमंत्री के शपथ करवाए हैं। मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए जो किया है वो काला धब्बा है। तो जन वेदना मार्च इसका नाम रखा है कांग्रेस ने, और इस वक्त वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष। आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, हम देख पा रहे हैं भीड़ जमा हुई है, नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है आशुतोष? देखिए जरूर अभी जो हड़ताली मोड़ पर अभी लाठी आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ शक्ति सिंह गोहिल, अखिलेश सिंह सांसद अखिलेश सिंह और कौकब कादरी सब लोग धरना पर बैठ गए हैं। चूंकि अभी कुछ देर पहले ये लोग हड़ताली मोड़ पर पहुंचे थे और यहां पर इन्हें रोक दिया गया, वाटर कैनन चलाया गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई। गोयल साहब, क्या हुआ है? देखिए, हम एक जन समस्याओं को लेके बड़ी डिसिप्लिन के साथ हमारी रैली जा रही थी, कोई वजह नहीं थी। वाटर कैनन चलाना, टीयर गैस चलाना, लाठी चार्ज करना बिना किसी इत्तला किए हुए, मेरे काफी कार्यकर्ताओं के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं, कोई वजह नहीं थी। ये संविधान में फंडामेंटल राइट है, सभा निकालना, मार्च निकालना, आवाज उठाना। ये किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है जहां पे बिना वजह? लोकतंत्र में हम जब आवाम की आवाज बन रहे तब हमारे पर इस तरह से लाठी चार्ज करना, पानी चलाना, टीयर गैस चलाना, बेरहमी से मारना, ये डेमोक्रेसी में कभी नहीं चलेगा। अखिलेश सिंह जी, क्या हुआ था? हम लोग शांतिपूर्वक मार्च लेके, पहले से आयोजन था, सरकार को सूचित किया गया था, प्रशासन को सूचित किया गया था और शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे। उसमें एकाएक लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन छोड़ना लोगों पर, ये तो नीतीश कुमार जी के नैतिकता का जो दुहाई देते हैं, आज उसकी कलई खुल गई। ये किस तरह से सरकार ये लोग चला रहे हैं, जनता अपनी वेदना भी प्रकट नहीं कर सकता, ये जमहूरियत और जनतंत्र प्रायः समाप्त हो गया है। और
जिस तरह से बाढ़ की समस्या से लोग पटना में देखें, लोगों ने झेला है, और नीतीश कुमार अपने घर में बैठ के, मोदी जी अपने घर में बैठ के तमाशा देखते रहे, और उसी का नतीजा था कि जो पांच पांच नीतीश कुमार की विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें चार विधानसभा उन्होंने लूज किया जो उनके एमपी बने थे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पर धरने पर क्यों बैठ गए? नहीं, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पूर्व नियोजित योजना के तहत इस सरकार ने हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, टीयर गैस छोड़े और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता पर किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर मार करके तोड़ दिया। ये सरकार की पूरी योजना थी जो हम सरकार के खिलाफ जो आज मुद्दा उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने इसका हम लोगों को जो है के रोकने का प्रयास किया, और इसी वजह से जो है हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रामदेव राय और पार्टी के कई सीनियर नेता, रामदेव राय जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था, परमिशन नहीं है, जैसे इस लाखों कार्यकर्ता सत्याग्रही स्थल पर जा रहा था और उसको लाठी चार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया, हाथ तोड़ा गया, इससे बड़ा अंग्रेज क्या हो सकती है, दुर्भाग्य है इस देश का। अब देख सकते हैं राजेश की बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेसी धरना पर बैठ चुके हैं, और अभी भी जो अनिल शर्मा जी अभी वाटर अभी भींग चुके हैं, अभी वाटर कैनन चलाया गया, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। हम लोगों का परमिशन था, लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए कोई परमिशन नहीं, हम लोग अंग्रेजों से भी बिना परमिशन की लड़ाई लड़ते थे। ये जब नीतीश कुमार की सरकार अगर कह रही है कि बिना परमिशन के आए थे तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करती है? ये बुजदिलों की सरकार है, लाठी डोटी चलाने से नहीं रुकने वाला मामला है। हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं वो धरना पर बैठ चुके हैं, और दूसरी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आगे जो है, आगे आप देखेंगे कि वहाँ पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो पुलिस के सामने डटे हुए हैं, और ये बिल्कुल आशुतोष, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता अपने संगठन में जान फूंकने की कवायद में यहाँ पर जुटे हुए हैं, और जिस तरीके से हड़ताली मोड़ पर इनको रोका गया है और जिस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है, इसका तमाम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसका उन्होंने क्या तरीका निकाला है विरोध करने का, वो आप देख लीजिए। कहीं पकोड़े तला जा रहा है, कहीं हाथ में सब्जियां लेकर चली जा रही हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट की, ये चार तस्वीरें। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशुतोष, तमाम नेताओं को हमने सुना, अनिल शर्मा को, रामदेव राय को, शक्ति सिंह गोहिल को, कौकब कादरी को, अखिलेश सिंह को, और सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन था। अब कितने लोग होंगे वहां इस जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो मार्च निकला, क्या जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उतने लोग पहुंचे या कहीं कांग्रेस की उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए? देखिए, जरूर इसे सिर्फ मार्च नहीं कहेंगे, इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस को एकजुट करना और अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी था। ये कह सकते हैं कि एक ये बहाना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं खासतौर से बिहार की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेसी है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी भी आप देखिएगा कि हड़ताली मोड़ के पास बैरिकेडिंग किए गए हैं और यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें विधानसभा की तरफ जाना है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से मार्च के लिए परमिशन का पत्र दिया गया था, लेकिन जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिली थी, और लगातार यहाँ पर जब भी कांग्रेसी पहुंच रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक तरफ दोनों रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी जो है वो धरने पर बैठ गए हैं, हड़ताली मोड़ के पास एक रोड ब्लॉक हो चुका है, और दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उस साइड से कांग्रेसी नेताओं को घेर चुकी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पर मौजूद है, दूसरा रोड भी ब्लॉक हो चुका है, और बिल्कुल यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि आगे क्या होगा। हालांकि अभी तक
जी राजेश, बिल्कुल नेताओं से तो बात की आपने, जरा बिल्कुल जरा कार्यकर्ताओं से कुछ बात करिए, कार्यकर्ताओं से। आशुतोष लौटता हूं मैं आपके पास। यहां जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस के कलपुर्जे अब जंग लग चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं, जबकि सुशील मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को अब वेदना ही करनी है, जनवेदना मार्च ही निकालना है, जिंदगी भर निकालते रहे। लोकतंत्र में हर को अधिकार है, करें वो, इसमें आपत्ति क्या है। हर पार्टी को अपनी अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार है, सरकार को अपनी बात करने का अधिकार है। फिर तो जनता तय करेगी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को तो इस बिहार के अंदर भी 40 साल राज करने का मौका मिला और देश में भी लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया, अभी लोग जिंदगी भर वेदना रैली निकालते रह जाए। कांग्रेस बिहार में कम से कम है, ये इस कार्यक्रम से लोगों को जरूर एहसास होगा, इसलिए पूरी तरह से संगठन जंग लगे हुए कल पुर्जों के बल पर चल रहा है और नीचे से ऊपर तक दिशाहीन, उत्साहविहीन, और जो कांग्रेस के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से संवादहीनता बढ़ी है उससे हाल के दिनों में कई कार्यक्रमों को कांग्रेस ने स्थगित किया। अब एक कार्यक्रम होने जा रहा है, कम से कम ये बात है कि अब कितने लोग होंगे, कौन लोग आएंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वैसे मुझे लगता है ऐसे प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल नहीं होना है। बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष के लोगों का बयान आपने सुन लिया, किस तरीके से राजीव रंजन प्रसाद और सुशील मोदी ने यहां पर अपनी बात रखी, निशाना साधा। लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वहां पर झड़प हुई है। आप देख सकते हैं हड़ताली मोड़ के पास जैसे ही ये मार्च पहुंचा, उसके बाद वहां पहले से तैनात थे पुलिस वाले और यहां पर जमकर झड़प हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब पुलिस वाले और कांग्रेस नेताओं के बीच में वहां पर हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज हुआ है और इसके बाद आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए हैं। तो तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस दरअसल मार्च नहीं निकाल रही है, कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है विधानसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और ये पूरी ताकत के साथ यहां पर विरोध करते हुए कांग्रेस। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर निकलकर सामने आए। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच जबरदस्त हाथापाई, जबरदस्त धक्का मुक्की। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आशुतोष, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं और पुलिस वालों के बीच वहां पर हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है। देखिए, काफी दिनों के बाद ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और चूंकि कांग्रेस से हमेशा ये कांग्रेस के बारे में ये उम्मीद की जाती थी कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर निकलना भूल गया है, और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन, मैंने पहले भी कहा था, ये शक्ति प्रदर्शन ही है, और कांग्रेस के नेता ये दिखाना चाहते हैं कि उनका वजूद अभी बचा हुआ है और वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर दूसरी तरफ अभी तारिक अनवर पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, और उन्होंने हड़ताली के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और पुलिस ने यहां पर उन्हें रोक दिया है, और ये कोशिश की जा रही है कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर महिला मोर्चा की तरफ से भी कई जो कार्यकर्ता हैं वो नेता पहुंच चुकी हैं, आप देखिए, और विधायक अमिता भूषण के नेतृत्व में यहां पर महिला मोर्चा की जो नेता है वो पहुंच चुकी हैं और उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही है। चूंकि कांग्रेस के पास एक कह सकते हैं बड़ा मौका कांग्रेसियों के हाथ है, और वो कोशिश कर रही है, कांग्रेस की नेता या फिर कांग्रेस के बड़े नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी मौजूदगी दिखाएं। और यहां पर जैसा कि आपने देखा, धक्का मुक्की हुई थी, लाठीचार्ज हुई थी, माफ कीजिएगा, और एक पत्रकार को चोट भी लगी है, और यहाँ पर अभी भी हालात जो है वो सामान्य नहीं है, अभी भी धक्का मुक्की की स्थिति है, आप देखिए तस्वीर के जरिए, और यहाँ पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, और आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाठी चार्ज की नौबत आ चुकी है, और लाठी चार्ज हो चुका है, और कांग्रेसियों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ पर लाठी चार्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर लाठी चार्ज हो चुके हैं और कांग्रेसी नेताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है।
और जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, कांग्रेसी तैयार नहीं थे यहाँ से पीछे हटने के लिए, बाद में लाठी चार्ज किया गया और उन्हें हटाया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कांग्रेसी नेता जो है वो गिर चुके हैं और यहाँ पर हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए तस्वीरों में कि पुलिस और आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके बीच नोकझोंक चल रही है अभी और लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी ये एक बड़ा मौका है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। और यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ रहे हैं, वो जाने पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में वो विधानसभा की तरफ जाएंगे और उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है हड़ताली मोड़ के पास, जिसके बाद शक्ति सिंह गोहिल खुद यहाँ पर धरना पर बैठ चुके हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हिरासत में लिया गया है कुछ कार्यकर्ताओं को, हिरासत में लिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामले को खत्म कराया जाए, लेकिन फिलहाल मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अजेश, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका पूरी जानकारी देने के लिए और डिटेल से पूरी बात यहां पर पहुंचाने के लिए। हम आपको बता दें कि किस तरीके से आज अरसे बाद कांग्रेस ने इस तरीके का प्रदर्शन वहां पर किया है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है और पार्टी इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहती है।